नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। विकासखंड जसरा में स्थित ग्राम सभा मानपुर निवासी कामता प्रसाद पाल पुत्री मेशा पाल का है, जहां मायके में रह रही महिला की इलाज सही से नहीं हो पाने से उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने की अपील की और ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप कि मैं अपनी पुत्री की शादी प्रेमशंकर पाल से की गई थी। शादी के लगभग 2 वर्ष बाद पति प्रेमशंकर पाल और ससुर सब लोग मिलकर दहेज की बात को लेकर बहुत मारपीटी करते थे और गाली गलौज करते थे। घर से अपने भाई को बुला करके दवा के लिए पिता के घर चली गई। तब से आज तक ससुराल वालों ने ना ही कभी आए ना ही कोई दवा करवाई। हमारे पिता व भाई लोग 50 दिन तक स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज में इलाज करवाया गया। ससुराल पक्ष से कहा जाता है कि आप लोग इलाज करवाइए। ससुराल पक्ष का कहना है कि हम लोग ना इलाज करवाए हैं ना ही अपने घर आपको बुलाए हैं। आप लोग एक शव रख कर बैठी हुई हैं, क्या मामला है, कहीं नहीं उठा रही हैं, क्या आरोप है आप लोगों का? हमारे लोग यही आरोप हुआ कि जैसे हमारी बहन यही बहन तड़प तड़प के ख़त्म भाई, वो लोग उनका चेहरा तक देखे कि तरस गए। न सास न ससुर न आदमी न नाना न जेठौर न देवर के दुआरे पे नहीं आ सके। सबके शकल देखा चाहत रही के वो आज तक शकल तक नहीं देखी। वही ढंगे से तड़प तड़प हुआ खातिर जीवन निकल गवा। तब वही इन्हों लोग के तड़पत है कि ऐसे उन्हों पचे कुछ तड़प हो जाए। वो लोग इनके ससुराल पक्ष के हैं। हाँ, दो दो तीन तीन शादी भाई कौनो हम देवर की शादी भाई ननंद की शादी भाई ऐसे ही तड़फत रही गई कि हम एक दिन खातिर चली जाए, पर क्यों जने आए नहीं सके कि इनका लिया कि चला जाए। एक दिन को उनके घरे जगह नहीं रही। यहाँ लगभग कितने दिनों से रह रही थी? 3 साल से। वो लोग क्यों नहीं आ रहे थे बुलाने के लिए? बुलाने के लिए नहीं आए रहे कि मर जाए तो हम दूसरी शादी करी, दूसरे शादी खातिर। इनका जब इनके लगे फोन करे तब ये तड़पावे कि तई मर जे तई ऐसे भोगबे कब तक हम तोका देखी, हम अपन दूसर शादी कर। क्या नाम है उनका जो बोल रहे थे? प्रेम शंकर। कहाँ के निवासी हैं वो? बैरघाट। ठीक, क्या मामला है आज यहाँ पे? एक मृत्यु हो गई है एक लड़की का और सब आप लोग रखे हुए हैं, किस मांगों को लेकर रखे हैं, क्या मामला है? इस मामला में यह है कि लड़की की शादी 2017 में हुई थी और धीरे धीरे लगभग 5 साल के दिन बीत गए और बीच में 2 साल कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था और बीच में मारपीट ये लोग किए और उसके बाद में तब से तबीयत इसकी गड़बड़ हुई, इलाज नहीं करवाए वो लोग। और दूसरी बात ये चीज़ कि जब सीरियस ज़्यादा हुई तो वहाँ से लड़की फ़ोन किया, जब लड़की के फ़ोन करने के बाद भाई यहाँ से बुला के लाया तो यहाँ पर जो है एडमिट किए जसरा संगम अस्पताल में, इलाज चली, वो लोग भी आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट में फिर दोबारा सीरियस होने पे स्वरूप रानी में एडमिट किए तो उसमें जो है 1.5 महीना तक एडमिट थे और उसके बाद से डॉक्टर ने बोला कि 6 महीना इलाज चलनी चाहिए, तो 6 महीना के बजाय जो है वहाँ के लोग छोड़ दिए। पहले से पैसा यहाँ के लोग लगाते थे, वैसे भी कंगाल हो चुके थे, सिर्फ खाली लगे थे उस समय, लेकिन कोई इंटरेस्ट फिर भी नहीं किया कि चलिए ठीक है लगे हैं। लेकिन स्वरूप रानी से जब सीरियस हुई, जब 6 महीना बोला तो 6 महीना इलाज नहीं करा सके, एक पैसा नहीं दिए वहाँ से और आना भी जाना बंद कर दिए। उस समय लॉकडाउन का सीज़न था तो धीरे धीरे करके स्थिति इतनी बिगड़ गई बिना पैसे के, बिना पैसे की आज ज़िंदगी एकदम बेकार हो गई, यानी कि मर गई बिना पैसे के। और न तो कभी उसने फ़ोन किया किसी सदस्य ने और ना ही कोई खबर किया, अगर बीच में एक दो बार फोन भी किया तो यही गाली दिए थे कि तुमको मैं तरसा दूंगा, बैरघाट तुमको देखने के नहीं होगा। आपने कहीं प्रशासन को शिकायत किया इसके बारे में? तो इसके प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि इस हमारे कार्रवाई के ये जो हमारा मामला है ये सच्चाई जो है इसमें हम यही अपील करेंगे कि मुकदमा और उनको जेल भिजवाने की हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम वो जेल के अंदर हों, मुकदमा हम बढ़ेंगे। हेलो, आपने वहाँ पे लिखी शिकायत दिया है तो वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ पे जब लिखी शिकायत थाने पे दिए तो वहाँ पे समझौता के चक्कर में थे। अच्छा, अब घुस पाए या क्या पाए क्या नहीं पाए उसके बाद में जो है कोई एप्लीकेशन और जो है कोई कंप्लेन हमारी नहीं सुनी गई। कौन से थाने पे आप एप्लीकेशन दिए? खीरी थाना में गए थे, वो उनका हल्का, उनका थाना खीरी लगता है। अच्छा, ये कौन सा गाँव का मामला है? ये लड़की का गांव है, ग्राम मानपुर, थाना लालापुर, जसरा प्रयागराज। कहाँ भी लड़की भी ही थी, बैरघाट ढेरहन, थाना खेरी, जिला प्रयागराज। आप उनके कौन हैं? हम उनके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।